हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कार, शक्ति व ऊर्जा चैप्टर को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने ऊष्मा चैप्टर का एक पार्ट वन पढ़ चुके हैं। आज हम वही ऊष्मा चैप्टर का पार्ट टू डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन हीट, हीट का कौन सा है, पार्ट टू है। तो पहले हमने ऊष्मा के प्रकार वगैरह पढ़े थे, गुप्त ऊष्मा पढ़ लिया था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। दूसरी कौन सी होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। कई बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊष्मा के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था ऊष्मा के प्रकार, ऊष्मा के कौन कौन से रूप होते हैं और ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की इकाई, ये सब पढ़ा था। अगर आपने अभी तक इसका अध्ययन नहीं किया तो आप हमारे चैनल पे जाइए और जाके इसका पहले सीरीज का पहला वीडियो देखिए। क्योंकि क्या होगा, जब आप सिस्टमेटिक चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अपना अध्ययन। सबसे पहले पढ़ते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, कह रहा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए जितनी हमें आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा। उसमें क्या है, कोई द्रव्यमान होगा, अगर आप उसका ताप बदलना है ठीक है, लेकिन बिना उसको क्या करना है, अवस्था बदलनी है, लेकिन उसका क्या करना है, ताप नहीं बदलना, ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में बदलना है, लेकिन क्या करें उसका ताप ना बदलें। तो इसके लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है गलन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। और आपसे पूछते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 336 जूल प्रति किलोग्राम। और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। अगर कहेगा सिर्फ बर्फ की गुप्त ऊष्मा तो कितनी होती है, 336 जूल प्रति किलोग्राम। अगर कहेगा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम। अब हम पढ़ते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। कह रहा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, अब इसमें भी क्या करना है, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान है लेकिन उसका ताप बिना ताप बदले, इस स्थिति में उसका ताप नहीं बदलना। तो बिना ताप बदले अगर हमें जितनी उसको बदलने की ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब आपसे पूछ सकते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। और आपको पता है किलो कैलोरी को हम कई बार जूल भी लिख देते हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में आपसे किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम की जगह क्या दे सकते हैं, जूल प्रति किलोग्राम, तो इसको आप लगा सकते हैं। आप कहेगा भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 2268 किलो कैलोरी जूल प्रति किलोग्राम। कितनी होती है, 2668। अब ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा जैसे आपको पता होगा, जैसे आप क्या करें, आपको एक प्रकृति समझा, जैसे आप दो छड़ ले लें ठीक, उसमें एक छड़ को बहुत गर्म हो और एक ठंडी हो, दोनों को पास में रख दें, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा आएगा कि दोनों छड़ का ताप समान हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछते हैं, कई बार ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊष्मा का संचरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इस तरह से की पॉइंट से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है। और कई बार क्या होता है, पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन उस चैप्टर के की पॉइंट निकालना काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, सारे की पॉइंट निकाल निकाल के आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे कैसे पूछ सकते हैं ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप, निम्न ताप से उच्च ताप, या उच्च ताप से निम्न, निम्न से उच्च, दोनों तरह से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कैसा होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और ये संचरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों तरफ का ताप समान ना हो जाए। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन ले सकता है, कोई भी दो वस्तुओं कह देगा, कहेगा किसी का से क्वेश्चन पूछना है तो आप कह सकते हैं एक का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपसे पूछ सकता है इनमें कब तक ताप का संचरण होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ का ताप बराबर हो जाएगा, जब तक एक तरफ का ताप अधिक एक तरफ का कम हो जाएगा, या कुछ और ऑप्शन दे सकता है। तो कब तक ताप का संचरण होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ का ताप समान ना हो जाए। ऊष्मा का संचरण में आप दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, ऊष्मा का संचरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और कब तक होता है, जब तक दोनों तरफ का जो ताप होता है वो समान नहीं हो जाता तब तक संचरण होता रहता है। तो अब आपको पता होना चाहिए ऊष्मा संचरण होता किन किन विधियों से। ऊष्मा संचरण मुख्यतः तीन विधियों से, पहली होती है चालन,
दूसरी होती संवहन, तीसरी होती विकरण। ऊष्मा संचरण की तीन विधियां चालन, संवहन, विकरण। तो अब हम अध्ययन करते हैं चालन क्या होता है। चालन के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का पदार्थ जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने कण का स्थानांतरण कर लेते हैं। चालन में ऊष्मा के संचरण में क्या होता है, ऊष्मा के जो कण होते हैं वो अपना स्थान जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपसे कई बार एग्जाम पूछते हैं ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। जैसे आपसे कई बार कोई वस्तु दे देगा, वस्तु का जो ठोस वस्तु है उसका नाम पूछ लेगा, कहेगा इसमें ऊष्मा संचरण के लिए हमें ऊष्मा संचरण की किस विधि की आवश्यकता होगी, तो ठोस में ऊष्मा संचरण के लिए हमें ऊष्मा की चालन विधि की आवश्यकता होगी। अब चलिए हम पढ़ते हैं संवहन। संवहन विधि से भी ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन में क्या होता है, इसमें संचरण के कारण पदार्थ के कण जो स्थानांतरण करते हैं और स्थानांतरण करने से क्या होता है, एक धारा का निर्माण कर देते हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है किस संचरण में जो होता है ऊष्मा के किस संचरण में पदार्थ के कण धारा का निर्माण करते हैं, तो किस में होता है, संवहन में। ठीक है, गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, जबकि ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अब कई बार आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हमारा वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, तो वायुमंडल जो होता है संवहन विधि से गर्म होता है। और अगला ऊष्मा का संचरण की विधि कौन सी, विकिरण। विकिरण कैसी होती है, विकिरण में ऊष्मा संचरण के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो संचरण किस रूप में होगा, तो संचरण हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होगा, क्योंकि आपको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस विधि में ऊष्मा का संचरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, किस विधि में होता है, तो होता है विकिरण विधि में। और ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो चालन विधि से। और द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो कौन सी विधि होती है, संवहन विधि से। ठीक है, और वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, तो संवहन विधि से। अब कई बार आपसे पूछते हैं स्टीफन का नियम, इससे रिलेटेड इसका फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछ ले, तो इसमें पहले मैं पता हूँ चाहे नियम होता क्या है, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती। उसमें कहा गया किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता जो होती है उसका परम ताप क्या होता है, टी, उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और आपसे कई बार पूछ लेते हैं ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। अब आपको पता नहीं ताप क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है कोई वस्तु ताप में है या कैसी है तापी वस्तु, उसकी ऊष्मा के कारण ही तो पता चलता है। और ऊष्मा का प्रवाह की दिशा को कौन निश्चित करता है, तो ताप करता है। जिसे आपने पढ़ा था ऊपर मैंने भी पढ़ाया, ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, तो ये उच्च ताप से निम्न ताप उसकी दिशा है, उसको निश्चित कौन कर रहा है, तो ये ताप कर रहा है ना उसको निश्चित, कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय प्रवाह की दिशा को कौन निश्चित करते हैं, जो ऊष्मीय प्रवाह की दिशा होती है इसको कौन निश्चित करता है, तो उसमें को क्या कौन निश्चित करता है, ताप। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण का कारण क्या होता है, या कई बार पूछेगा ऊष्मा स्थानांतरण का कारण, तो हमारा क्या होता है, ताप, टेम्परेचर। ठीक है, अब हम पूछते हैं ताप का पैमाना किस किस में हम ताप का मापन करते हैं। देखिए ताप का मापन हम सेल्सियस पैमाने में करते हैं, रोमर पैमाने में करते हैं, फारेनहाइट पैमाने में करते हैं, और केल्विन पैमाने में करते हैं। ताप का मापन हम सेल्सियस पैमाने में, रोमर पैमाने में, फारेनहाइट, केल्विन पैमाने में करते हैं। आपसे कहीं भी पूछते हैं आदर्श कृष्णिका क्या होती है, आदर्श कृष्णिका उस पिंड को कहते हैं जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं। लेकिन कहा गया है कि प्रकृति में ऐसा कोई भी पिंड नहीं जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उसमें कहा कुछ ना कुछ तो परावर्तित होती ही है, परावर्तित हो, अपवर्तित हो, कुछ ना पूरा तरह से अवशोषित नहीं कर देता, लेकिन फिर भी मानते हैं कि काजल 96% तक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इसलिए क्या करते हैं, फिजिक्स में काजल को क्या करते हैं, आदर्श कृष्णिका का पिंड माना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किरचाप के नियम। किरचाप के नियम से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो किरचाप के नियम में क्या कहा गया, किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता जो होती है उसके अवशोषण क्षमता के अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें कहा गया किरचाप के नियम में जो अवशोषण क्षमता होगी वो किससे संबंध रखेगी, उसके उत्सर्जन क्षमता के। इससे क्या होगा, किरचाप के नियम में क्या गया,
जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा। जिसमें इसमें कहा गया कि जैसे काली वस्तु होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि कहीं रखते हैं, अंधेरे में रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो काली वस्तु होती है सफेद वस्तु के अपेक्षा अधिक चमकदार होगी, क्योंकि काली वस्तु क्या ज्यादा अवशोषण करेगी। किरचॉफ के नियम में क्या है कि जो वस्तु ज्यादा अवशोषण करेगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगी। ये किस नियम में कहा गया? किरचॉफ में नियम में। तो आज हमने ऊष्मा चैप्टर का अपना पार्ट टू को कम्प्लीट किया। ये हम आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा क्या कि आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे आपके कॉन्सेप्ट सही से डेवलप होंगे तभी आप मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर के मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपको ये भी पता चलेगा, और भी प्रीवियस ईयर वाले जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से जो होता है प्रश्न के पूछने का मेथड कैसा है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे क्या होगा आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। इसी तरह से हमारे चैनल में जो हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज भी चल रही है, इसके अतिरिक्त सीटेट एग्जाम के लिए CDP, हिंदी, पैडोलॉजी आदि सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। अगर आप में से कोई सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और जाके CDP को, पैडोलॉजी को पढ़िए, जिससे क्या होगा अपने जो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा साइंस सीरीज तो चल ही रही है, हिस्ट्री सीरीज भी चल रही है, इसके अलावा भी हम बहुत जल्द बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। इस तरह से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं क्या होंगी मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाती रहूँगी। और अगर आप ये वीडियो की रेगुलर देखना चाहते हैं ताकि आपका कोई भी कोर्स छूटे ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या होगा रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस।